रूस यूक्रेन वार एक अहम मोड़ पर जा पहुंचा है, क्योंकि इस युद्ध में साधारण हथियारों के अलावा कुछ खतरनाक बमों का भी प्रयोग होने लगा है। इन्हीं में से एक है वैक्यूम बम। यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया है कि रूस ने वैक्यूम बम का प्रयोग किया है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि वैक्यूम बम क्या होता है और यह कितना खतरनाक होता है। वैक्यूम बम को थर्मोबैरिक वेपन भी कहा जाता है। यह परमाणु बम के बाद सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। इसका इस्तेमाल अधिकांशतः वैसे जगह किया जाता है जहाँ दुश्मन बंकर, शेल्टर या फिर गुफाओं में छुपा रहता है। इसके विस्फोट से इससे मौजूद ज्वलनशील बारीक कण आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं और यह इतना शक्तिशाली होता है कि यहाँ तक कि घरों की छत को भी उड़ा देता है और बंकर बर्बाद हो जाते हैं। पास खड़े इंसान को तो तुरंत भाप में बदल देता है और दूर के लोगों पर इसका इतना प्रभाव पड़ता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स खासकर फेफड़ा जलने लगता है और बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। इस बम को 60 के दशक में सर्वप्रथम अमेरिका और फिर सोवियत संघ यानी आज के रूस ने बनाया था। इससे पहले रूस इसका इस्तेमाल चेचनिया विद्रोहियों को दबाने में किया था।